मैं पर्सनली बहुत शाय हूँ और नॉर्मली मैं फिल्मों के अंदर कपड़े उतारने या शॉट देने में मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है. मैं पर्सनल लेवल पे बहुत शाय हूँ. एक्टिंग के लिए करता हूँ दर्दे डिस्को में या किसी और फिल्म में भी किए हैं मैंने दो चार बार. आई एम वेरी शाय और यूनिट को ये मालूम है. और जब मैं आया था तो उसमें मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई है, दीजिए दिखता नहीं, लंबी लंबी शॉर्ट्स पहनी हुई है. और मैंने बहुत तो सारी लेडीज जो थी ऑब्वियसली पहले तैयार होकर आ गई थी क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सब तैयार हो तो मैं हूँ. और आई वॉज वेरी शाय कमिंग इन देयर. तो मैंने चुपचाप से सारे प्रोडक्शन को बोला था यार इनको कहो ना दो मिनट उधर उधर जाएं तो मैं जल्दी से पानी में घुस जाता हूँ उसके बाद करेंगे. आई वॉज वेरी शाय. आई वॉज रियली रियली शाय डूइंग दैट. कमिंग ऑन द सेट्स वॉज वेरी शाय. और दूसरी बात मैं बता दूँ, सीक्रेट नहीं है लेकिन शॉट खत्म होता था तो यू नो नॉर्मली शॉट खत्म होता है सब देखने को जाते हैं ऐसे मॉनिटर पे या अलग किस्म का था. तो आई नेवर वेंट आउट ऑफ द टब थ्रू आउट द शूटिंग ऑफ दैट बिकॉज द लेडीज वर देयर. तो मैं बैठा रहा टिल द एंड ऑफ द शूटिंग एंड व्हेन दे वेंट अवे उसके बाद मैं बाहर ऐसा तौलिया बांध के निकला. वाज वेरी शाय डूइंग दैट. आई थिंक इसके दो रीजन है. एक तो जो ब्रांड्स हैं क्योंकि मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने एक्चुअली कहीं ना कहीं पर शुरुआत ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत सारे ब्रांड्स से एसोसिएटेड था, बहुत दोस्ती है. अभी जैसे परसों मैं हुंडई पे गया 15 साल, लक्स के साथ 5-6 साल हो गए हैं, दूसरी कंपनीज का 10-12 साल, 14 साल, 20 साल. सो आई थिंक एक दोस्ती रहती है और हम जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो चाहते हैं कि एक दूसरे का कुछ फायदा हो एडवर्टाइजमेंट वाइज, पब्लिसिटी वाइज. तो एक वो रिलेशनशिप है. सो शायद इसलिए ब्रांडिंग ज़्यादा हो जाती है मेरी फिल्मों में. दूसरा आई थिंक मेरे पास जो ऑफिस में काम करते हैं करुणा और मानवी और ये सब, इन लोगों को एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि हम वैल्यू फॉर मनी देते हैं अगर हमारे साथ कोई अटैच होता है. लेकिन हम फिल्म में ब्रांड इसलिए नहीं डाल देते कि पैसा आ जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन टेक मनीज, इट्स एक्चुअली एडवर्टाइजिंग टुगेदर. सो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर अ बिग टाइम इन द ऑफिस सिंस रावण एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अस अ लॉट. और अब जमाना ऐसा आ गया है. बट मार्केटिंग गुरु वगैरह मुझे, आई जस्ट टेक ऑल द क्रेडिट बट आई हैव नो रियली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस यार. मैं जाके फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ और खुशी से उसको शेयर करता हूँ. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फिल्म को रिलीज करने के लिए. इन्फॉर्मेशन अगर हम ना भी चाहें तो फिल्म की इतनी जल्दी पहुंच जाती है दैट आई थिंक इट वाज ओनली अ नेचुरल स्कीम ऑफ थिंग्स दैट दे वोंट बी 100 डेज, दे वोंट बी सिल्वर जुबलीज, दे वोंट बी गोल्डन जुबलीज. द बिजनेसेस विल श्रिंक इनटू लेसर पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो नंबर ऑफ थिएटर्स हैव इंक्रीज्ड लाइक 10 टाइम्स 15 टाइम्स सिंस दिलवाले आई थिंक मे बी मोर यू नो. सो आई थिंक the business still remains the same, only the results are out faster. I'm sure even examinations are like this, you know, because things are digitized. Earlier you had to wait for things, now you go apply for a job, you get an answer back, even online sometimes. You know, you apply for a thing, you can buy things online. So I think the speed is different, but the enjoyment for a film is same. Though of course I am completely in disagreement with, you know, numbers thrown. There are too many analysis, and I keep saying this again, bahut zyada information फिल्मों के बारे में अब ऑनलाइन आ जाती है. द आइडिया शुड बी टू बी एबल टू सिफ्ट एंड चूज द राइट वन सो दैट द राइट फिल्म गेट्स द क्रेडिट दैट इज व्हिच इट डिजर्व्स यू नो. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. बट द एंजॉयमेंट ऑफ अ हिट फिल्म इज अमेजिंग यार, बिकॉज यू नो यू कैन फील इट इन द एयर मोर देन द नंबर्स, मोर देन द एनालिसिस, मोर देन द क्रिटिकल अप्रेजल. आई थिंक आई कैन फील अ हिट फिल्म इन द एयर कि लोग जो होते हैं कैरेक्टर नाम बुलाने लगते हैं, सड़कों के ऊपर गाने बजने लगते हैं. आई थिंक दैट्स द मेन फीलिंग. To me, for 22 years, a big hit film is felt in the air around wherever I am, more than really the number of days or the numbers that are said.